रायपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 माह पूर्व एक 20 वर्षीय बालिका के अपहरण कर ले जाने के बाद आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में भाजपा के नेताओं ने पुलिस और आरोपी के परिवार के खिलाफ विरोध रैली का आयोजन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जेतारण विधायक अविनाश गहलोत, प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष राधा भारद्वाज की अगुवाई में रायपुर बस स्टैंड से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग का ज्ञापन दिया। वहां पर प्रदेश भाजपा मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी द्वारा प्रशासन से वार्ता की गई। वार्ता संतोषजनक नहीं होने पर सभी भाजपा कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी का आरोप है कि वर्तमान चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के नजदीकी रिश्तेदार पवन त्रिवेदी द्वारा 20 वर्षीय बालिका को अपहरण कर ले जाने के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदेहास्पद है। इस मामले में 2 माह पूर्व नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस केवल हाथ पर हाथ धरे बैठी है। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं किए जाने पर आरोपी के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हैं। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम में भाजपा नेताओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि मंगलवार सुबह 12 बजे तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो रायपुर व गंगापुर कस्बे के बाजार बंद करवाए जाएंगे और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जाएगी। मैं घरे नहीं हिस्सा, मैं मोट की चोरी करेगी लारू वो कई भी करन लेन पुरोगियो गरु एन मेरी चोरी का धमकी पड़ी और पाछो फोन की तो क्यों तेरा बाप क्या करेगी, तेरी माँ क्या करेगी और तेरा भाई क्या करेगा, चक्कू दूस के मारना कुल्ला। मैं मार पान से ले गयो, मैं गांव की ससुर ले गयो, अब नाम पता नहीं बताया और 2 महीने है कि मैं आंसू बुआ रही हूँ, मेरे को अत्ता पता भी नहीं है, इन बिल्कुल ने बता रहा थाना में 10 दिन तक फोन चल लियो, 10 दिन तक भिलवाड़े गया, गंगापुर गया, अटन दर्ज कराया, तो भी माँ का लड़की चाहिए मेरे। उन्होंने तो पुलिस की अवधारणा ही बदल दी है। पुलिस की अवधारणा थी कि जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, और आज माहौल बिल्कुल उल्टा है। आज अपराधियों को तो विश्वास है पुलिस में और जो जनता है वो भय के मारे कुछ नहीं कर पा रही है। ये क्या विकास करेंगे, ये परिवार को ही नहीं संभाल सकते, हमारी अपनी बहन बेटी की इज्जत को नहीं बचा सकते, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे और क्या अपना विकास करेंगे। जो एक समाज की बच्ची को, मुस्लिम समाज का बच्चा 12 दिन तक अपहरण करके रखा घर पे, पुलिस कुछ नहीं किया, परसों आके उसको जबरदस्ती दबाव बनाने के बाद उसको अरेस्ट किया, उसके साथ साथ और भी मुलजिम थे जिनको अरेस्ट नहीं कर रहे। मीडिया के माध्यम से और हम सभी जनता के यहाँ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर शाम तक, आज शाम तक नहीं करें, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी यही है, हमारे प्रदेश के मंत्री जी है, हम समय देते हैं कल शाम तक, आज शाम तक नहीं, कल 12 बजे नहीं करते, हम गंगापुर और रायपुर कस्बे बंद करेंगे।